अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपके साथ एक सिंधी ट्रेडिशनल डिश शेयर कर रहे हैं जिसे हम बुसरी कहते हैं। बहुत ही लजीज मज़े की ये बनती है। दो बुसरियाँ हम प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से है। आधा कप हम असली घी लेंगे, आप चाहें तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 3 रोटियों का आटा हम ले रहे हैं, आटा सॉफ्ट गूंदा होना चाहिए। और 1 कप हम गुड़ शक्कर ले रहे हैं। अगर आपके पास गुड़ शक्कर ना हो तो आप गुड़ को भी पीस के यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 2 पोर्शंस में। नाश्ते के लिए ये जो बुसरी है वो सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए आप इसे इस्तेमाल करें, बहुत मज़े की ये बनती है। अब 1 पोर्शन को फिर से हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे और इसके छोटे छोटे हम गोल जो है रोटी के पेड़े बना लेंगे। 2 रोटियां हम बेल लेंगे, कोशिश करेंगे कि इक्वल साइज़ की हों, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। सूखा आटा थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो रोटियां हैं वो चिपके ना। कि हमारी 1 रोटी हमने बेल ली है, हम दूसरी भी इसी तरह से इसी साइज़ की बेल लेंगे। जिस तरह से नॉर्मली हम पराठे प्रिपेयर करते हैं, ये इसी तरह से पराठे की तरह ही प्रिपेयर होता है। अब हमारी दूसरी रोटी भी हमारी बेल ली है हमने, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल तो नहीं पर ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हमने बेल लिए हैं। अब इसमें हम गुड़ शक्कर की फिलिंग करेंगे अच्छी तरह से। इसको हम रोटी में डाल के दूसरी रोटी से इसको कवर कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको कवर करेंगे दूसरी रोटी से, साइड्स को अच्छी तरह से फिर चिपका लेंगे ताकि जब आप फ्राई करें तो आपका जो शक्कर है वो निकले ना। वैसे तो आटा नरम होता है तो ये आराम से आपस में स्टिक हो जाता है, लेकिन अगर आपका आटा स्टिक ना हो रहा हो तो आप थोड़ा सा उंगलियों पे पानी लगा के इसको स्टिक कर सकते हैं। इसको बहुत आराम से आप उठाएंगे तीनों साइड से, पहले निकाल के थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से उठाने की कोशिश करेंगे तो ये फट सकता है। जब हमने अपनी रोटियां बेलना स्टार्ट की थी तो तवा हमने फ्लेम पे रख दिया था ताकि तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये हमारा तवा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हम इसमें घी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से तवे पे हमने घी लगा दिया है। अब इस पे हम अपनी रोटी ऐड कर रहे हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, घी की जो क्वांटिटी है वो भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने ऊपर से भी घी लगा दिया है। अब एक साइड जैसे थोड़ा कुक होना स्टार्ट होगी हम इसे पलट देंगे। अच्छी तरह से हम दूसरी साइड को पकाएंगे। कि हमारा पराठा जो है बुसरी वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है। खाने में भी ये बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट पे, थोड़ा सा एहतियात के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मीठा थोड़ा ज़्यादा अगर आपको पसंद है तो आप
इसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर जो है गुड़ शक्कर वो स्प्रिंकल कर लें, बहुत मज़े का लगेगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।